जय दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जिस चीज का आपको इंतजार था कि अवध विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम्स का एडमिट कार्ड कब रिलीज करेगी, तो फाइनली अपना अवध विश्वविद्यालय ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो जिन भी 5 कोर्सेज में, चाहे वो LLB हो, LLM हो, MED हो, बी फार्मा या डी फार्मा, इन 5 कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम्स होने थे 28 तारीख को, जिसकी एडमिट कार्ड प्रवेश परीक्षा की प्रवेश पत्र रिलीज कर दी गई है, एडमिट कार्ड रिलीज कर दी गई है। आपके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरे प्रोसेस को वन बाई वन। ये आपका अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एक एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, एडमिशन का बॉक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, एक नया आप देखेंगे एडमिशन, कैंपस एडमिशन 2023 लिखा है, जिसके अंदर न्यू चल रहा है। तो बिल्कुल ये नया है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास नीचे एक नया सा यहाँ पे बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ पे लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो जिन बच्चों को डिप्लोमा इन, ए समीर प्लीज़, ओके, जिन बच्चों को डिप्लोमा इन फार्मेसी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, या फिर बैचलर इन फार्मेसी, जिनको बी फार्मा करना है, या फिर LLB करना है 3 साल के लिए, या फिर जिनको MED करना है, मास्टर करना है, या फिर जिनको LLM करना है, मास्टर ऑफ लॉ करना है, इन 5 कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जो आपने फॉर्म भरा था, अगर आप उसकी स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट है आपके पास, तो ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा और डेट ऑफ बर्थ आपको याद ही है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ से आपका एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बच्चे का एडमिट कार्ड दिखाऊंगा और देखें कैसे एडमिट कार्ड है, उसके नीचे क्या क्या डिटेल्स उसमें एडमिट कार्ड में दी गई हैं आपको। तो चलिए देखते हैं एक MED के एक बच्चे का, मेरे दोस्त हैं अवध विश्वविद्यालय से, इनका पिछले साल, इस बार इवन वो MED BED कर रहे हैं, तो उनका हम एडमिट कार्ड देखेंगे और इस बार MED का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए पहले एक हम एडमिट कार्ड यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है आपके इस बार का एंट्रेंस एग्जाम्स का एडमिट कार्ड। इसमें ऊपर आपको आपकी डिटेल्स दी रहेगी, जैसे कि ये पाठक जी हैं, नीरज पाठक, और इनके यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपका रोल नंबर दिया रहेगा, ये रोल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आपको आपके मार्क्स चेक करने होंगे। ठीक है, उसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, आपने कौन से कोर्स के अप्लाई किया ये दिया है, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर। सभी बच्चों का एग्जाम सेंटर कैंपस में ही होगा, नो डाउट कैंपस में ही होगा, वैसे आप अपना चेक कर लीजिए। MED वालों का तो कन्फर्म है कि वो कैंपस में होगा। एग्जाम सेंटर इस बार प्रचिता भवन यूनिवर्सिटी कैंपस रखा गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में आएंगे तो वहाँ एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे आपको क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का सेंटर रखा गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको आना है और कहीं नहीं आना है, राइट। एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, तो MED का एग्जाम डेट 28 को रखा गया है, 28 अप्रैल को, और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाना है, तो आपको उसके आधे घंटे पहले तक पहुँच जाइएगा। प्लीज़ 8:30 बजे तक आप कोशिश करिएगा कि आप कैंपस तक पहुँच जाइए। 3 घंटे का आपका बखूबी समय है, और आप सबको पता है कि 200 क्वेश्चंस होंगे, आराम से करिए। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा भी, चाहे LLB हो, LLM हो, बी फार्मा, डी फार्मा हो, MED के अलावा भी इन 4 अन्य कोर्स के भी प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगर आप में से इन 4ों में से किसी एक का आप एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको फॉर्म भरा है आपने, तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, एडमिशन में, काउंसलिंग में क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सब आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आप एंट्रेंस एग्जाम्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, थोड़ी तैयारी करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने डाउनलोड कर लिया या नहीं कर लिया। बाकी कोई समस्या आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।